नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग रॉस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके और हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले जो एग्ज़ाम हुए इनमें पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। हम एक साथ कई प्रोग्रामों को खोल सकते हैं लेकिन एक्टिव प्रोग्राम इनमें से कितने होंगे, ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। राइट आंसर जो ऑप्शन 4 रहेगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। सेंसर ऑप्शन 1 रहेगा, तो MS-DOS में 2 प्रकार के आदेश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए इसमें से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, एस्केप जो कुंजी होती है इसका इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए इनमें से कौन सी कीज का जब प्रयोग किया जाता है और PNP के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन 5 रहेगा, इनमें से किसी का भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मेटिंग बार के ठीक नीचे इनमें से क्या होती है। तो फॉर्मेटिंग बार के ठीक नीचे इनमें से क्या होती है, सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, तो इसी के नीचे फार्मूला बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किन की से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। तो कौन सी कीज है जिनसे नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, तो ये जो न्यूमेरिक जो कीपैड होती है इससे नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए इनमें से कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, तो इसके लिए कंट्रोल पैनल जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है कर्सर की गति को कम ज़्यादा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, तो किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम उसे रीनेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। तो यहाँ पर अनप्रोसेस्ड जो आइटम्स होते हैं इनका कलेक्शन इनमें से कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र क्या कहलाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, टेक्स्ट एरिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंगरी कंपोनेंट को आइडियल रखने पर क्या होता है। तो यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा, हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। और क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, क्लिप बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने से बचने के लिए इनमें से क्या करना अच्छा रहता है। यहाँ जो सी आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा, तो इसे हिडन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, और ये भी जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम में पूछा गया था, सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, इसे फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, यहाँ पर क्या जो है विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इनमें से बनाया गया है, सी आंसर ऑप्शन एक रहेगा। तो ये जो ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन फोर रहेगा। तो टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए एंटर कुंजी जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है, और ये भी जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम SBI के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अभी जो है SBI की जो भर्ती निकली है तो बैंक वालों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन टू रहेगा, पेज डाउन कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट को इनमें से ये कौन सी कुंजियां कहते हैं, इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, तो इसे एडजस्टमेंट कुंजियां कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट जो होती है ये एडजस्टमेंट जो कुंजियां है ये कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में इंटरनेट के उपयोग को आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें से किसको शामिल किया, राइट आंसर ऑप्शन थ्री रहेगा, एक्टिव डेस्कटॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड दी जाती है, राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, कंट्रोल अलर्ट प्लस DL, जो हम अगर इनको एक साथ प्रेस करेंगे तो इससे हमारा कंप्यूटर जो है रीबूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, टाइटल बार जो होती है उस पर संबंधित प्रोग्राम का जो नाम है ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थ्री, तो इसके लिए न्यू कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन थ्री जो रहेगा, इसे हेडर कहते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली जो कॉमन लाइन है इसको हेडर कहते हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन थ्री रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं, आंसर रहेगा ऑप्शन एक, तो यहाँ पर जो रिसाइकल बिन जो होता है अगर हम अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है, और वहाँ से हम उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, और 30 दिनों के लिए जो फाइल रिसाइकल बिन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन एक रहेगा, इन्हें विंडोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से करेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती हैं, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन थ्री, तो ये जो फॉन्ट जो होते हैं ये करेक्टर का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है। नेक्स्ट रहेगा डॉक्यूमेंट को बार बार एक ही शब्द के दोहराव से बचाने के लिए और भाषा को आकर्षक बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन टू, स्पेलिंग व ग्रामर चेक जो होता है इसका इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट को बार बार एक ही शब्द के दोहराव से बचाने के लिए और भाषा को आकर्षक बनाने के लिए आप स्पेलिंग व जो ग्रामर चेक जो होते हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होता है,
सी आंसर रहेगा ऑप्शन फोर। टेम्पलेट जो होता है ये पहले से डिजाइन किया गया एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उससे मिलते हुए फॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन एक। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस की जो राइट क्लिक होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब जो हम यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति की इस अवधि में उन्नति हुई। तो सिंधु घाटी संस्कृति की जो अवधि है ये कब हुई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस जिले में है। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो हिसार जो है इसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद व हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर एस बिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मिताथल भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे। सो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फतेहाबाद में। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। सी आंसर है ऑप्शन ए लांडनू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का जो टोपरा स्तंभ है ये किस जिले से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेट का भी जहाँ हाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक का जो टॉप स्तंभ है ये किस जिले से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अम्बाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अशोक के स्तंभ लेख की लिपि कौन सी थी। तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ब्रह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम क्या है। तो शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की जो लिपि है इसका नाम बाराखड़ी रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेहवा से किस वंश के राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, प्रतिहारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुर व कुणाल किस जिले में स्थित है। तो ये जो फतेहाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मिताथल राखीगढ़ी बनावली आदि का संबंध किस सभ्यता से है। तो यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर सूची एक को जो है दो के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जो आया रहेगा। तो यहाँ पर तीन एक और दो, राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, कुणाल रिगल क्राउन और जो बनावली है ये जूते हुए खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए थे। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, इन सभी से हिसार के नज़दीक अग्रोहा से, फतेहाबाद के कुणाल में और भिवानी के नवरंगाबाद व मिताथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों का पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में आगर गणराज्य था। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बरवाला और अग्रोहा। तो यहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि जो प्राचीन जो समय था इसमें हिसार क्षेत्र में आगर गणराज्य था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी सूची को जो है मिलान करना है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 4, 2, 3 और 1। तो
4, 2, 3 और 1। तो पृथ्वीराज द्वितीय के जो अभिलेख हैं ये टोपरा से, कुषाणकालीन मूर्तियाँ हंसी से, और कुषाणकालीन सोने व चांदी के जो सिक्के हैं मितातल से, और विग्रह चतुर्थ के जो अभिलेख हैं ये हंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ पर भी हमें जो है सुमेल करना है, तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है रहेगा, 1, 2, 3 और 4। तो बहनवास महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, अग्रोहा सूर्यदेव की मूर्ति, फिजलपुर विष्णु की मूर्ति, और पलवल वायपुरी बादशाह यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ जो है ये प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ इनमें से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई हैं, तो कहाँ से ये प्राप्त नहीं हुई है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो दोहन से जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था, तो ये जो घाघरा जो नदी है यह इसका प्रवाह नहीं था। और दोस्तों अगर आपने ये नदियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जगह हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है, हड़प्पा संस्कृति का इनमें से एक स्थल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट है, हरियाला नाम किस पुराण में किस पुराण से हमें प्राप्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्कंद पुराण से। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पासना चरियु। नेक्स्ट है, किस वेद में हरियाणा की दो प्राचीन नदियों का उल्लेख हुआ है जो आज लुप्त हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो ये जो है ऋग्वेद में हरियाणा की दो प्राचीन नदियों को लेखा जो आज लुप्त हैं। तो हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, चित्री दूसरा मृदभांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वैदिक काल की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जी के और हरियाणा जी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।